अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास प्रीवियस पेपर्स में से एमसीक्यूज होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं फॉर पीएससी, एनटीएस, सीएसएस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें एमसीक्यूज आते हों, तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को लाजमी ऑन करें, क्योंकि जब भी मेरा कोई लेक्चर अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हम चलते हैं एमसीक्यू स्टार्ट करने के लिए लैपटॉप की स्क्रीन पे। पिछले लेक्चर में हमने 55 एमसीक्यू पढ़े थे, तो पिछले लेक्चर जो मैंने इस पेपर के रिकॉर्ड किया है वो इस जो आपके पास ये लेक्चर है इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ लिंक इस उनका, तो अगर आप उनको पहले सुनना चाहते हैं तो वो पहले सुने फिर इसको आप सुने ज्यादा बेहतर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। हमारे पास पार्ट स्टडी से रिलेटेड एमसीक्यूज है। जनरल नॉलेज पार्ट स्टडी जो है ये आपके पास जनरल नॉलेज में भी आ सकते हैं, पार्ट स्टडी में भी, किसी में भी ये आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 56 है, इसमें कहता है नेम द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉर्ड इन, तो जंग प्लासी जो है वो कब लड़ी गई, ये पूछ रहे हैं, तो 1757 में। नेक्स्ट 57 है, इसमें कहता हु इज नाउन एज आर्किटेक्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का आर्किटेक्ट किसको कहा जाता है, तो वो चौधरी रहमत अली दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 58, नाउ और नेवर अ शॉर्ट पंफलेट वाज पब्लिश्ड इन, तो ये हुआ था नो और नेवर पंफलेट जो है ये 1933 में दिया आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट आप 59, इसमें कहता है लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय 59, तो लाहौर रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय एके फजलुल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है 60, इन 1942 फुल एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एट द एंड ऑफ वॉर वाज प्रोमाइज्ड बाय, तो 60 का आपके पास आ जाएगा ये सर स्टफर क्रिप्स दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 61, तो 61 को हम देखेंगे, इसमें कहते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो थी वो कब हुई थी, 1930 में दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 62, द ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस वाज एस्टेब्लिश इन, तो 62 का आपके पास आ जाएगा ये 1866 ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 63 है, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान फ्रेम, पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब फ्रेम हुआ था, तो ये 1956 बी आ जाएगा। वेयर इज कजाफी स्टेडियम लोकेटेड, कजाफी स्टेडियम लाहौर है, ठीक है, बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 65, who is known as the office of Pashto language, office of Pashto language is office of Pashto language Amir Kroor Suri, C आ जाएगा। Next आपके पास है 66, the distance between Mohenjo-daro and Harappa is, तो ये 700 किलोमीटर। Next आपके पास है the first census in Pakistan was held in, पाकिस्तान में first census जो है वो 1951 में हुई थी, यानी बी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 68, द रिलीजन ऑफ द पीपल ऑफ गंडारा सिविलाइजेशन वाज, तो 68 का आपके पास आ जाएगा ये बुद्धिस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 69, इसमें कहते हैं हु इज द गवर्नर ऑफ पंजाब, तो 69 का आपके पास आ जाएगा जो 2016 में था वो आपके पास डी था, रफीक राजवाना, ठीक है। आज मेरे ख्याल में आजकल जो है वो करंट उमर सरफराज है आई थिंक चीमा, ठीक है, इसको आपने देख लेना है, क्योंकि जब भी आप करंट इसमें जाएंगे करंटली जब आप देखेंगे तो ज़रा वो चेंज हो जाएगा, क्या पता आप 6 माह या साल के बन जाए तो चेंज हो जाए, तो इसलिए इसको आपने चेक कर लेना है जब भी पेपर के ऊपर जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास है 70, इसमें कहता है हु इज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है,
मीन कि ये भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो रिसेंटली है वो ज़हीर अहमद बाबर है आई थिंक, ठीक है। तो ये ज़्यादा रिसेंटली हिसाब से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 71 से एमसीक्यूज है, तो इनको भी हम इसी के साथ पढ़ लेते हैं। करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडी, ये चीजें तकरीबन ये इनमें सेम सेम होता है। कश्मीर स्टडी होगी, पाक स्टडी होगी, करंट अफेयर। तो इट्स मीन के ये करंट अफेयर पाकिस्तान स्टडी में भी आ सकते हैं, पाकिस्तान स्टडी इसमें भी आ सकते हैं, इस तरह से। तो जो भी जर है ऊपर पाकिस्तान स्टडी में ये दो आए हुए इसी तरह करंट अफेयर के हिसाब से, इनको भी हम इसी के साथ पढ़ लेते हैं। 10 एमसीक्यूज है इसके। तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द रीसेंट फुटबॉल ओलंपिक चैंपियन। तो ये आपने याद रखना है कि 2016 का ये पेपर है, 2016 के हिसाब से जो है वो आपने इसका जवाब, अगर उसने मेंशन किया 2016 तो फिर हमने उसी के हिसाब से देना है। अगर उसने मेंशन नहीं किया तो इट्स मीन फिर करंटली आपने देखना है, ठीक है। तो 2016 में ब्राजील था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 72। तो 72 में कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ विच इस्लामिक कंट्री पास्ड अवे रिसेंटली। तो ये 2016 की बात पूछ रहा है, ठीक है। तो 72 का आपके पास आ जाएगा वो उज़्बेकिस्तान। तो ये रिसेंटली आपने इसको करना है, 2016 अगर वो मेंशन कर दे तो फिर यही होगा, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी, जनरल नॉलेज के हिसाब से ये सारे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि 2016 जब वो मेंशन कर देगा तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है हु वाज मैन ऑफ द मैच इन द लास्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट इंग्लैंड एट ऑल। 73, तो 73 का आ जाएगा ये यूनुस खान, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है हु इज मिनिस्टर ऑफ हेल्थ इन स्टेट ऑफ एजेके। ये आपने याद रखना है, ये 2016 की पूछ है कि 2016 में जो है वो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कौन था। तो 74 का आ जाएगा आपके पास ये उस वक्त नजीब नक्की थे। तो आजकल जो है वो निसार अंसर है आई थिंक, ठीक है, इसको आपने चेक कर लेना है, निसार अंसर है आई थिंक। नेक्स्ट आपके पास है हु इज पीएम ऑफ कनाडा। ये भी करंट अफेयर के क्वेश्चन से। तो 2016 के हिसाब से अगर हम देखें तो वो जस्टिन ट्रूडियो थे, ठीक है। तो इसको चेक कर लेना है, शायद यही हो, शायद चेंज हो जाए, चेंज हो गए हो, तो मैंने पेपर के हिसाब से जारी फिर वो लगाए हुए। नेक्स्ट आपके पास है 76, इसमें कहता है नेम कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्वे। तो ये जाहिर है परमानेंटी होता है, ठीक है। तो ये आपके पास ए आ जाएगा ओस्लो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 77, तो 77 में कहता है स्वाहिली, ठीक है। स्वाहिली इज वेल नोन लैंग्वेज ऑफ, तो ये लैंग्वेज है आपके पास, ये अफ्रीका की लैंग्वेज है, ठीक है, ये भी ज़रा परमानेंट ही है। नेक्स्ट आपके पास है 78, इसमें कहता है फताउल्ला गोलान बेसिकली बिलोंग्स टू, ये भी ज़रा परमानेंट ही है। फताउल्ला गोलान जो है वो बेसिकली कहता है कि बिलोंग करते हैं किससे, भी तुर्की से। नेक्स्ट आपके पास है 79 में कहता है विच इज बिगेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, तो आपके पास चाइना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज, तो स्मॉलेस्ट कंट्री जो वर्ल्ड में है वो वेटिकन सिटी है, ठीक है, वेटिकन सिटी है, डी आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमारे पास 80 का एमसीक्यू थे। नेक्स्ट हमारे पास इस पेपर का आखिरी लेक्चर होगा, उर्दू का वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस लेक्चर जो है उनके जो लिंक्स है वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अगर उनको आप सुनना चाहते हैं तो उनको आप सुन सकते हैं।